दोस्तों बहुत समय मैं अपने आप को कोसते हैं अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई हमें समस्या आ गई हमारी किस्मत नहीं ऐसा था लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि हम ने अपने आप को इग्नोर कर दिया हमारे अंदर अलार्म बजा घंटी बजी कि समस्या आ रही है उस समय मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया अपने को बचाने में लग गए तभी हम क्रिटिकली इल हो जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं वी बिकेम सिक लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दी व्हाट प्रोटेक्शन द नेचर हैज प्रोवाइडेड अस नेचर हैज प्रोवाइडेड अस वाइट ब्लड सेल्स दैट आर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट अवर बॉडी friends you have already seen the first line of defense in our previous video if you have not seen please see it and today we are discussing on the second line of defense that is the white blood cells that is circulating in our body how they protect us let us understand this white blood cell is also called leukocyte leuko means white and there are different types of cells. These are soldiers, just like soldiers, defending our body. One is lymphocyte. Twenty to thirty percent lymphocytes are there. We are B cell that makes antibodies, and T cell that invade the foreigners foreign items and create a cytokines. That kinds. And also, they create natural killer cells where nothing is required. They just start killing the infectious microbes and tumor cells. No identification is required. The next is phagocytes. What are the phagocytes? These are the monocytes mostly. Now, these monocytes are converted into macrophages when they enters into the cell otherwise whenever they enter into the tissues space tissue space then they act as a macrophages and some monocytes are converted into dendritic cell now what these macrophages are doing Macrophages start create the mouth type of shape and they just gulp the bacteria inside it and crush it so that bacteria are destroyed. Then they take another bacteria like that. Thousands of bacteria are gulped like this by the macrophages. But they are only one to six percent. Besides that, there are neutrophils. Sixty to seventy percent cells are of the neutrophils type. Why? Why? What these neutrophils are doing? The neutrophils simply they comes out from the blood cells. न्यूट्रोफ़िल्स किस तरह के होते हैं जैसे कि कोई गुब्बारे में कम हवा भरी हो अपने को दबा के और ब्लड वेसल्स के सेल से बाहर निकल जाते हैं जस्ट लाइक दिस और उसके बाद ये लड़ते लड़ते बैक्टीरिया को भी मार देते हैं और खुद भी शहीद हो जाते हैं और एक तरह से डेब जिस्सा इकट्ठा हो जाता है जो सर्कुलेशन में बाहर निकल जाता तो इस तरह से पैथोजेंस को ये किल कर देते हैं और खुद भी खत्म हो जाते हैं व्हाई इन द ब्लड साथ में ये देखें जो मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं कुछ मोनोसाइट डेंड्रिटिक सेल्स में बदल जाते हैं ये डेंड्रिटिक सेल्स क्या करते हैं The, identify, the pathogens और अलार्म भेज देते हैं जो हमारी बैक में पड़ी आर्मी को जो दूसरे को कि दुश्मन आ गया है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ ये दस्त की इंडिकेशन बिकॉज इसमें एंटीजेंस हो जाता है ये न्यूट्रोफिल्स के साथ भी और ये डेंटिटिक सेल्स पे ये पकड़ लेते हैं और इंडिकेशन देते हैं आइडेंटिफाई करके दैट वी है एंटीजेंस फाइट एंटीजेंस व्हाट एवर बैक्टीरिया वायरस समथिंग सम पैरासाइट्स आर देयर इफ दे कैन हार्म द बॉडी Then we can call it to be antigens. So, these antigens are attached with, with the macrophages, with the dendritic cells, and with the dendritic cells, they just call the remaining cells to fight. So,

एक तरह से प्रोजेनिटर्स होते हैं हमारे जींस में होते हैं बहुत लोगों के और कुछ लोगों के जींस में कम कुछ लोगों में ज्यादा होते हैं और मार्शल उसी के हिसाब से एड करते हैं अगर इनको कुछ स्किन में टच हो जाए तो स्किन में एलर्जी पैदा हो सकती है अगर कोई एलर्जेंस मिल जाए तो स्किन में एलर्जी दिखाई देगी या एयर के साथ चली जाए तो हमें छीक आ जाएगी और म्यूकस रनिंग नोजी हो जाएगी तो ये सब इस मास सेल के हिस्टामिन की वजह से जो कि एलर्जेंस को से अटैक होके एक एलर्जी सी लगने लगती है क्रिएट हो जाती है लेकिन ये सब क्यों बना है ये सब बना है हमारी बॉडी को आगे प्रॉब्लम से बचाने के लिए जैसे कि बॉडी के आगे है, कोई हमें प्रॉब्लम्स ना हो कोई समस्या ना होने पाए इसको बचाने के लिए बना हुआ है किस तरह से एक्ट करता है कैसे हमारे शरीर में समस्याएं आती हैं? लगता है जो हमें छींक आती है कभी हमारी नाक बहने लगती है और कभी खांसी आ जाती है तो एक तरह से खांसी जुकाम इसको हम परेशान होने लगते हैं ये एक अलार्म है और ये खांसी और जुकाम कुछ नहीं है बल्कि जैसे मास सेल अलर्जी से को भगाने के लिए दूर रखने के लिए बाहर फेंकने के लिए हिस्टामिन क्रिएट कर देता है उसी तरीके से एक और सेल है जो हालांकि बहुत कम क्वांटिटी दो बैस्टोफिल्स जिस रिएक्शन दिखाते हैं दिस स्नेजिंग, कफिंग एंड आर दी टू अलर्जेंस, एंड जस्ट थ्रो आउट ऑल दोज पैथोजेंस, ऑल दोज अलर्जेंस, सो दैट दे डू नॉट हार्म अवर बॉडी सिमिलरली Another cells, eosinophils, they are inside our body that is residing in our guest GI tract in elementary canalist intestines, and they are mostly in the intestines, which shows the allergy if we. Take some food which which is not suitable to our body। हम कभी कभी कहते हैं कि इस खाने से हमें एलर्जी है ये एलर्जी क्या है कि हमने अगर कुछ ऐसी चीज पेट में डाल दी किसी को मूंगफली से एलर्जी किसी को नट से एलर्जी किसी को गेहूं से ग्लूटेन से एलर्जी है ये सब क्या है ये केवल या इोसिनोफिल्स ये डिटेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमारी बॉडी के लिए सूट नहीं कर रहा है और हम इसको बाहर फेंक दें अब वो चाहे एलर्जी के फॉर्म में दिखा के या किसी तरीके से हम वोमिट करके किसी भी तरीके से बाहर फेंकें तो हमने देखा कि डिफरेंट सेल्स अपना अपना रिएक्शन दिखाते हैं और जिससे बचने के लिए हम दवाइयां खा लेते कोशिश करें समझे अपने आप को अपने शरीर पर ध्यान दें और इनकी हेल्प करें इनकी मदद करें जो जो व्हाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स हम दिए गए हैं कैसे मदद कर सकते हैं हम शुड रेगुलरली वीक पे एक बार फास्ट कर ले पंद्रह दिन में एक बार फास्ट कर ले फास्ट भी कैसे कोई हमें इसमें तला वाला खाना नहीं है बल्कि यू शुड टेक फ्रूट ऑनली टेक एस लेस सॉल्ट रादर नो सॉल्ट और व्हाइट शुगर वी शुड टेक आल्सो वी शुड ए कंट्रोल रेगुलेटेड मेटाबोलिक्स तभी हम अपने शरीर को बचा पाएंगे क्योंकि इस तरीके से हम इन सेल्स को मदद कर पाएंगे कि हमें ये हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से बचा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारे अंदर के आए हुए विचार और बाहर के पैथोजेंस या बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स कैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं जैसे ही हम इंजर्ट होते हैं या पैथोजन के शिकार होते हैं क्या होगा ब्लड उधर तरफ बढ़ेगा जहां पर पैथोजन आया या इंजर्ट हुए क्यों ब्लड के साथ ही वाइट प्लेटलेट्स भी आएंगे तो क्या होगा वासोडिलेशन वासोडिलेशंस के पहले इमीडिएटली वैसल कंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे मतलब वैसल्स हैं ब्लड वेसल्स पर सकरे हो जाएंगे जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और ब्लड तेजी से आ जाए और फिर वासोडाइलेट डाइजेशन वहां फूल जाए जगह ज्यादा हो जाए जिससे कि खून इकट्ठा हो सके और इससे स्वेलिंग हम कहने लगते हैं कि हमें जगह सूज गई और जब ब्लड ज्यादा आएगा तो लाल आएगी तो लाल पड़ जाएगा और ब्लड चू गर्म होता है तो ये जगह भी गर्म हो जाएगी और उसके साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंड रिलीज हो जाएंगे उस टिश्यू से उसी से उन्हीं सेल से जो कि हमें दर्द देगा ये दर्द क्या है एक कलाम कि हमें यहां से पैथोजन आ गया या ये

ये इंटरल्यूकिन बनेंगे आई एल वन हमारी ब्रेन की तरफ जाएगा और ब्रेन में पहले अगर माइंड से भी हमारी एगो के कारण हमारी एंगर्स के कारण हमें स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उससे भी यहाँ पर पैथोजन क्रिएट हो जाएंगे तो ये ये इधर से भी बने और ब्रेन में हाइपोथेलमस को रिएक्ट करके पेन क्रिएट कर दिया एक फीलिंग ऑफ पेन होने लगेगी कि हमें दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा और इवन ये बॉडी में पायरोजेंस को इफेक्ट करेंगे और हमें बुखार आ जाएगा फीवर आ जाएगा पायरोजन क्या होता है जिस तरह से किसी फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट होता है उसी तरह से पायरोजन इसको सेट करके रखता है कि बॉडी कितना टेम्परेचर रखना जिससे कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सही काम कर सके और ये पायरोजन की ये स्विच हटा देंगे जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने लगे और ये पैथोजन नष्ट हो जाए तो ये और इससे हम इन सब एक्टिविटीज को क्या कहने लगते हैं इन्फ्लेमेशन हो गया तो जब भी इंफेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा यही डॉक्टर्स भी बोलेंगे इन्फ्लेमर तो ऐसे टाइम पर नॉर्मली हम क्या करते हैं कॉम्बी फ्लेम खा ले या कुछ और फ्लेम एंटी इन्फ्लेमेशन एंटी कोई भी दवा ले ले क्या होगा? ये इन सिम्टम्स को जो तरह से बॉडी अपने आप को रिपेयर करना चाहती है वो नहीं कर पाई और फर्दर सुनते हैं स्ट्रेस की वजह से एसीटीएच को रिलीज कर देगा हार्मोन्स और फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स इसमें वगैरह को रिलीज कर देगा जो इससे हमारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी इसी तरीके से अगर देखें कि दूसरा इंटरल्यूकिन वो क्या करेगा ये तो ये तो अभी तक आपने पढ़ा के आई एल और सिक्स के बारे में और लेकिन ये दूसरा इंटरल्यूकिन क्या करेगा ये लीवर को अफेक्ट करेगा लीवर में जो कुफर सेल्स हमारे पर जो मैक्रोफेजेस हैं इनको अफेक्ट करेगा जाके और इस तरीके से इसके अंदर इन्फ्लेमेशन में एक प्रोटीन्स बनेगा जैसे सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बोलते हैं तो कभी कभी हमें जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो बताते हैं कि आपका सीआरपी इससे हमें पता लगता है हमारी बॉडी की कितना इंफ्लेमेशन है अगर हाई सी आर पी है इसका मतलब हाई इंफ्लेमेशन है और हमारी हेल्थ कंडीशन ज्यादा सीरियस है इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन तो हमारे शरीर को ठीक करने के लिए है इन्फ्लेमेशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है हाँ जब तक अक्यूट है अक्यूट इन्फ्लेमेशन मतलब कुछ घंटे कुछ दिन रहता है तो अक्यूट अगर ये बढ़ जाता है और बॉडी अपने आप को ठीक नहीं कर पाती है और इन्फ्लेमेशन बना रहता है तो इसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं तो अगर हम इसको स्टेप बाई समझे स्टेज बाई तो जैसे वायरस बैक्टीरिया और फंगस या अलर्जी आएंगे तो क्या हो जाएगा रनिंग नोस हालांकि जो हमारे एयर सिस्टम में हमारे लंग्स के सिस्टम में है वो कोशिश करता है कि निकाल दे और इस रनिंग नोज से और इस नीजिंग से हम बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वायरस जा सकते हैं हमारे इंटरेस्टल फ्लूट स्टेबुलेट हो जाते हैं जैसे सलाइन वाटर रिलीज कर देता है रनिंग नोज हो जाता है हमारा ये भी इसी पर प्रसिद्ध देश है। हमारे फेशियल नर्व्स जो है जो हमारे मोटर नर्व के हैं वो क्या करते हैं ब्लड इंक्रीज कर देते हैं हमारा चेहरा लाल पड़ जाता है छी आने की खासी आती है चेहरा लाल पड़ जाता है और जो नोस के ऑफ़ नोस थ्रू नर्व्स ये हमें कफिंग की ओर खींच ली जाती है जिसमें खांसी आने लगती है और पोस्टागुल इफेक्ट अभी जैसे बताया बुखार और दर्द शुरू हो जाता है एक्शन और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स के अभी मैंने चर्चा की इफ एलर्जी इफ इफ एलर्जी देर बी एसोनोफिल्स इफ हाइपर सेंसिटिव एक्शन मास सेल के एक्शन भी हमने स्टडी किए तो इस तरह से देखें कि हमारी सभी बॉडी के सारे अंग एक साथ हमें बचाने में लगे हैं और इन्फ्लेमेशन केवल हमारे बचाने के लिए हुआ है और इस इन्फ्लेमेशन को अगर हम बाजार की मिलने वाली दवाइयों से दवा देंगे तो बीमारियों में बढ़ जाएगा इस अगर हम बुखार को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बुखार को या फीवर को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हम मेटाबॉलिक रेट अपना रेगुलेट करें खाना पीना उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिससे कि एनर्जी ना निकले एनर्जी ना क्योंकि वो एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट होगी और बुखार बढ़ेगा बजाय इसके कि बुखार कम करने की दवा लें बल्कि हम अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करें इस तरीके से अगर हम अपने शरीर की ओर ध्यान दे तो हम किसी भी लंबी और बड़ी बीमारी से बच सकते हैं और हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं ताजीवन स्वस्थ रह है सकते हैं। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए और इसको लाइक का बटन जरूर दबाइए धन्यवाद